नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी क्रिएटर्स हब। राजस्थान ही नहीं बल्कि हमारा पूरा भारत देश अपनी संस्कृति, मंदिर और स्थापत्य कला की वजह से जाना जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर की। ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहते हैं। इसमें हम बात करते हैं करणी माता के मंदिर की मूर्ति स्थापना। ये बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाता है। मंदिर मुख्यतः सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। चांदी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों, जिन्हें लोकल भाषा में काबा कहते हैं, को प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात में देखने लायक होता है। श्रद्धालुओं का मत है कि करणी माता साक्षात माँ जगदम्बा का अवतार है। अब से लगभग 650 वर्ष पहले जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर है, वहाँ एक गुफा में रहकर माँ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। ये गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। माँ के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी इच्छा अनुसार उनकी मूर्ति को इसी गुफा में स्थापित किया गया। बताते हैं कि माँ करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। संगमरमर से बने मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य दरवाज़ा पार कर मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमाचौकड़ी देखने को मिलती है। चूहों की बहुतायत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना कदम उठाकर नहीं बल्कि ज़मीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए करणी माँ की मूर्ति के सामने पहुँचते हैं। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं। वे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थान पर बारीक जाली लगी हुई है। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्रीकरणी देवी का यह मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को यदि यहाँ सफ़ेद चूहे के दर्शन होते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम को 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस देखने लायक होता है। करणी माँ की कथा एक सामान्य ग्रामीण कन्या की कथा है, लेकिन उनके संबंध में अनेक चमत्कारी घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। सभी घटनाओं पर अलग अलग वीडियोस बनेंगी। उन वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो उनकी उम्र के अलग अलग पड़ाव से संबंध रखती है। बताते हैं कि संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को श्रीकरणी माता ज्योतिर्लीन हुई। संवत 1595 की चैत्र शुक्ला 14 से यहाँ श्रीकरणी माता जी की सेवा पूजा शुरू हो गई। करणी जी का अवतरण चारण कुल में विक्रम संवत 1444 अश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी शुक्रवार के दिन हुआ था। सुआब गांव जो कि जोधपुर में है, वहां मेहू जी के घर में करणी माता ने जनहितार्थ अवतार लेकर तत्कालीन जांगल प्रदेश जो कि आज का बीकानेर शहर है में अपनी कार्यस्थली बनाई। करणी जी ने ही राव बीका को जांगल प्रदेश में राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद दिया था। करणी माता ने मानव मात्र पशु पक्षियों के संवर्धन के लिए देशनोक में 10,000 बीघा औरण की स्थापना की थी, जो पशुओं के चराई का स्थान है। करणी माता ने पूगल के राव सेखा को मुल्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, के कारागार से मुक्त करवाया था। उसकी पुत्री रंग कंवर का विवाह राव बीका से संपन्न करवाया। करणी जी की गायों का चरवाहा दशरथ मेघवाल था। डाकू पैंथर और पूजा महला से गायों की रक्षार्थ जूझ कर दशरथ मेघवाल ने अपने प्राण गंवा दिए थे। करणी माता ने डाकू पैंथर व पूजा महला का अंत कर दशरथ मेघवाल को पूज्य बनाया, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने राजपूत शैली में लगभग 15वीं से 20वीं सदी में करवाया था। मंदिर के सामने महाराजा गंगा सिंह जी ने चांदी के दरवाजे भी बनवाए थे। देवी की छवि अंदरूनी गर्भगृह में निहित है। माँ करणी मंदिर तक पहुँचने के लिए बीकानेर से बस, जीप व टैक्सी आसानी से मिल जाती है। बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित देशनोक रेलवे स्टेशन के पास ये मंदिर है। वर्ष में 2 बार नवरात्रों पर चैत्र और आश्विन माह में इस मंदिर पर विशाल मेला भी लगता है, तब भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचकर मनौतियाँ मनाते हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर के पास धर्मशालाएँ भी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने माँ करणी के मंदिर के बारे में और उसकी स्थापत्य कला के बारे में जाना है, तो इससे ये ना समझे कि माँ करणी पर वीडियो बन चुकी है। माँ करणी पर एक अलग से वीडियो बनेगी। इसके साथ ही उनके चमत्कारों, बीकानेर के अन्य दर्शनीय स्थल, राजस्थान के समेत भारत और दुनिया भर में वीडियोस बनती रहेंगी। हर एक टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएंगे। आपको बस चैनल के साथ जुड़े रहना है और हमें प्यार दिखाना है। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी जगह है तो उसको कमेंट के अंदर लिख दीजिए, उस पर भी
वीडियो लिस्टेड कर दी जाएगी। बाकी ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियोस के अंदर कोई सुधार के सुझाव हो तो कमेंट में बेझिझक लिख दीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर्स हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए।